आज जिस नेता की जिंदगी की कहानी आपको बताने वाले हैं, वो कांग्रेस में युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान रखता है और सियासी दांव पेचों में माहिर नहीं बल्कि सीधी लड़ाई लड़ने में विश्वास करता है। ये नेता सचिन को अपना राजनीतिक गुरु मानता है और सचिन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि सचिन के लिए कांग्रेस से भी बगावत करने को तैयार रहता है। ये लांडनू से विधायक है और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। नाम है मुकेश भाकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले मुकेश भाकर के राजनीतिक जीवन की पृष्ठभूमि 2010 से लिखनी शुरू हुई, जब मुकेश भाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े। यहां भाकर का मुकाबला एबीवीपी के मनीष यादव से हुआ। ये चुनाव महज कुछ ही वोटों से मुकेश भाकर हार गए, लेकिन छात्र संघ की राजनीति में भाकर को किंग नहीं किंग मेकर बनना था, इसलिए मुकेश भाकर ने हार नहीं मानी और पहले चुनाव में मिली हार को स्वीकार कर खुद को मजबूत करने में लग गए। अब वक्त आया 2013 का और राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिर से चुनाव होने थे। मुकेश भाकर के सामने ये एक मौका था खुद को मजबूत साबित करने का। मुकेश भाकर NSUI संगठन में सक्रिय रहे, लेकिन टिकट देते समय मुकेश भाकर को नजरअंदाज किया गया। मुकेश भाकर ने निर्दलीय के रूप में प्रभात चौधरी को छात्र संघ चुनाव मैदान में उतारा, जबरदस्त जीत हासिल की। यहां प्रभात चौधरी ने NSUI और ABVP दोनों को मात दे दी थी। इसके बाद मुकेश भाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में किंग मेकर के नाम से पहचान बना चुके थे, जो भाकर ने निर्मल चौधरी को जिताने के साथ दोबारा से साबित भी की। बहरहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति से बाहर निकलने के बाद मुकेश भाकर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे और सचिन पायलट के नजदीकी बन गए, जिसके चलते 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लांडनू विधानसभा से मुकेश भाकर को प्रत्याशी बनाया और मुकेश भाकर ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। मुकेश भाकर पायलट गुट के हैं और सचिन पायलट को राजनीति में अपना आदर्श मानते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपनाए तो मुकेश भाकर पीछे हटने की बजाय अपने कदम अपने आदर्श के साथ बढ़ा दिए। इस बगावती तेवर के बाद मुकेश भाकर को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की सीट से भी हाथ धोना पड़ा था। वहीं आज के वक्त में मुकेश भाकर सचिन पायलट के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि हर हाल में हर स्थिति में सचिन पायलट के साथ रहेंगे। इससे पहले मुकेश भाकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मानेसर कांड में उनसे ये पद छीन लिया गया था। मुकेश भाकर की जिंदगी का सफरनामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।